ओम शांति। 25/6 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, सच्चे बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है, यह है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। मेन पॉइंट्स है, हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो भी होंगे, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, नाम दिए जाते हैं। बच्चों को खुशी होती है हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं है। देवियों को हथियार आदि दिखाते हैं, वह तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान के ही बाण हैं। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती गाया जाता है, निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में रहेंगे। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी, दूसरा खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। अब बाबा सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं, वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा 4 पैसा निकाल। कई लोग दान के शौकीन होते हैं, कहते हैं ईश्वर अर्पणम। कई कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि भी बनवाते हैं। अब बाबा ने कहा, यहाँ तुम्हारी अविनाशी कमाई है 21 जन्मों की। बाप कहते, तुमको तो बीज बोना ही चाहिए। सुधामा मिसल, मुट्ठी दो चावल की और 21 जन्म महल मिल जाएगा। अब बाबा कहते, देखो बच्चे, ये युद्ध का मैदान भी है, तूफान बहुत आएंगे, सब बीमारियाँ बाहर निकलेंगी, अपने हुनर में होशियार बनो, उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहता है, ये माया की युद्ध है, माया तो बहुत पछाड़ेगी, ना चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते हैं, फिर ऐसे जोर से तूफान आते जो नींद ही फिटा देते हैं। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं, कैसे भगवान अपनी तरफ और रावण अपनी तरफ खींचता है। तुम याद में रहना चाहते हो, माया तूफान ला देती है, सो तो होगा, युद्ध करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करो, अपनी अवस्था को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं, पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते, ये तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा की याद में रहना है। यह याद पर रहने से तुम एक रस रह सकोगे। सुप्रीम रूह शिव बाबा इनके द्वारा हमें वर्षा दे रहा है, यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना, मन मनाभव स्वदर्शन चक्करधारी बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग धारणा है। अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। बाबा के डायरेक्शन जो सुधामा मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। आज का वरदान, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाबा बड़े ते बड़ा परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा, ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन ना मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। और आज का स्वमान है, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। आज
प्रश्न है, बड़े परिवार में ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो करना है। दूसरी बात, अचल अडोल कौन रह सकता है। और तीसरा प्रश्न है, उस्ताद मदद क्यों नहीं करेगा और क्या समझाते हैं। और चौथी बात जो आप सबने बतानी है, अपनी अवस्था में हमें क्या देखना है। और पांचवी बात, अपने पैसे में से हमें चाहे एक ही पैसा निकाल के सफल करना है, वो क्यों करना है। और लास्ट है, आज का सार और गीत लिखें।